अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, बहुत से हज़रात क़ुरबानी करने के वक्त में इस उलझन में मुब्तला रहते हैं कि क़ुरबानी के लिए शरीयत में कौन सा जानवर अफजल है, हिस्से में मिलना चाहिए या घर में ला के बकरे को ज़बह करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में हम फिक्रमंद रहते हैं और उलझन का शिकार रहते हैं। और फिर उसमें भी बकरे को ज़बह करना चाहिए या बकरी को ज़बह करना चाहिए या दुम्बे को ज़बह करना चाहिए या इसके अलावा जो हमारे पास पाए जाते हैं मेंढे, उनको ज़बह करना चाहिए। इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है, अगर हम शरीयत की तालीमात पर गौर करें तो समझ में आएगा कि शरीयत में वो जानवर अफजल है जो इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए लेकर ज़बह किया जाए। हमारे यहाँ पर कुछ सालों से यह सिलसिला चल पड़ा है कि क़ुरबानी में भी हम एक दूसरे पे फ़ख्र करते हैं और फ़लाँ साहब इतना बड़ा जानवर ख़रीदे और फ़लाँ साहब का बकरा माशाल्लाह से कितनी हाइट वाला है और कितना ज़बरदस्त है और लोगों में मशहूर होने के लिए कई हज़ारों लाखों रुपये लगाकर क़ुरबानी का जानवर ख़रीद रहे हैं। अब क्या उनकी क़ुरबानी ज़्यादा मकबूल होगी जो ऐसा कर रहे हैं, या फिर जो घर में नॉर्मल तरीके पर लाकर ज़बह कर रहे हैं उनकी क़ुरबानी ज़्यादा मकबूल होगी? तो दरअसल शरीयत का मिजाज ये है, शरीयत ये कहती है कि अल्लाह को ना जानवर के मोटे और दुबले होने से, ना जानवर के बड़े और छोटे होने से कोई अल्लाह को मतलब नहीं है। अल्लाह ताला आदमी के इखलास को देखते हैं और जानवर की खरीदते वक्त में आदमी की क्या नीयत है उसको नज़र, उस पर नज़र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब मुरत्तब फरमाते हैं और उसको सवाब अता फरमाते हैं। तो क़ुरबानी में आप जो भी जानवर ख़रीदें, आप अपनी हैसियत से, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अच्छा से अच्छा जानवर ख़रीदने की कोशिश करें। अच्छे से मुराद ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मोटा चौड़ा देखने की कोशिश करें, बल्कि अच्छे से मुराद ये है कि वो बेऐब हो, सेहतमंद हो, ऐब उसके अंदर नहीं पाया जाए और सेहतमंद फुर्तीला जानवर हो, और उसको अल्लाह की राह में ज़बह करेंगे और इखलास नीयत के साथ ज़बह करेंगे तो वो जानवर सबसे ज़्यादा अफजल हो जाएगा और सबसे ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक बनाने वाला होगा। इसलिए कोई भी जानवर की जिसकी शरीयत में इजाज़त है क़ुरबानी के लिए, जिन जानवरों को मुख्तस किया गया है, उन जानवरों में आप जिस जानवर की क़ुरबानी करना चाहें कर सकते हैं, उसका सवाब आदमी के इखलास पर मुनहसिर है। वो जिस इखलास के साथ ख़रीदेगा उसी एतबार से अल्लाह के नज़दीक वो अफजल समझा जाएगा। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाएं।